स्वागत है आपका स्टेट बस न्यूज में और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। भारत अनेक मंदिर और मान्यताओं वाला देश है। यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में आश्चर्य से कम नहीं हैं। आज एक ऐसे स्थान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में है। भगवान महादेव का ये मंदिर सेमराध नाम से प्रसिद्ध है। विशेष अवसरों पर यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर ये मंदिर बेहद खास बन जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक गहराई में बना हुआ है जो लगभग कुएं के समान है। यहाँ आने पर प्रतीत होता है मानो कुएं के अंदर ही खड़े हैं। यह स्थान अपने आप में बेहद अनोखा है। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। इसके अनुसार पुंडरिक नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था, जिससे पूरी काशी जलने लगी। इस अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ा। जिस स्थान पर भगवान शिव का त्रिशूल और चक्र टकराए, वहां एक रोशनी जमीन में समा गई। कहा जाता है कि कालांतर में एक व्यापारी को स्वप्न देकर भगवान शिव ने स्वयं ही इस स्थान के बारे में बताया था। यहां खुदाई करने के बाद एक शिवलिंग सामने आया। ऐसा भी बताया जाता है कि जिस स्थान पर आज ये मंदिर है, उसे व्यापारी ने जब खुदवाना शुरू किया तो उसे जितना खुदवाता वह उतना ही नीचे धंस जाता। इस तरह पूरा स्थान कुएं के समान ही गहरा हो गया। गहराई बढ़ने के साथ ही इसमें से पानी भी निकलने लगा। इस वजह से इसे कुएं वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस घटनाक्रम का उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है। मान्यता है कि इस स्थान पर अपनी अधूरी कामना की पूर्ति के लिए जो भी मन्नत मांगी जाए उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रधान पुजारी सचिन गोस्वामी, बाबा समरनाथ धाम। ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, मतलब कोई तिथि नहीं है। यहाँ हमारे दादा परदादा से है, महंत से चल रहा है, तो ये कोई बता नहीं सकता कितना पुराना मंदिर है। यहाँ एक व्यापारी व्यापार करने जा रहा था तो उसको डोंगा पे यहाँ रुक गया डोंगा, तो उसका जो है स्वप्न दिए कि हम शंकर जी हैं सेमर के पेड़ के नीचे। तो ढूंढने लगा, जब मूर्ति मिली तो सोचा अपने यहाँ ले चलेंगे, वहाँ स्थापित कर देंगे। तो जैसे जैसे खुदाई करते गया तो वैसे वैसे मूर्ति अंदर धंसती गई। इतने में फिर उसको स्वप्न दिए, हमारा स्थान यही है, हम कहीं जाएंगे नहीं, हमारा जो है यहीं पे जो है निर्माण करा दीजिए। तो यहीं पे निर्माण करा दिया। उसके बाद धीरे 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 अपना विकसित होता गया और यहाँ महाशिवरात्रि पे जो है लाखों लोगों का भीड़ उमड़ता है, जो है दर्शन लोग करने आते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूरा एकदम भीड़ चलता है। यहाँ पे लाखों की जनता आती है दर्शन करने, और ऐसे हर सोमवार को जो है कम से कम नहीं तो 10-20 हज़ार जनता दर्शन करती है जो है। हाँ, ये सब सुना हुआ बात है, मैंने पुराने लोग सब बताते थे ऐसे, यही सब है, इसी वजह से यहाँ पे शिवलिंग आया जो है। और शिवलिंग यहाँ पे अर्धनारेश्वर है, आधा शिव जी है आधा पार्वती जी है, मतलब कहीं भी शिवलिंग में आधा रूप शंकर जी आधा रूप पार्वती जी का नहीं है, लेकिन यहाँ शिवलिंग में अर्धनारेश्वर है स्वयं जो है। प्रयाग और काशी के मध्य में है, इसलिए यहाँ छोटी काशी की मान करते हैं सब। नाथ सेमराधनाथ सब बोलते हैं, वैसे समृद्ध नाथ नाम है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।